दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। एक ऐसी जगह जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। कई लोगों का तो बड़े ही विश्वास के साथ कहना है कि यहाँ कई तरह की रिसर्च की जाती है एलियंस और यूएफओ के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, एलियंस और यूएफओ के ऊपर यहाँ कई तरह तरह की रिसर्च की जाती है। और ऐसा भी दावा किया जाता है कि यहाँ पर एलियंस को कैद करके रखा गया है। इस जगह का नाम है एरिया 51, जो आज भी लोगों के लिए एक रहस्यमय जगह बनी हुई है। और दोस्तों, यूएफओ से रिलेटेड कुछ बातें भी हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष राठौड़, स्वागत है आपका विचित्र मिस्ट्री टीवी के एक और मिस्टीरियस प्रोग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं। एलियंस और उड़न तस्करी, यानी यूएफओ को लेकर हमेशा लोगों के अंदर जानने की जिज्ञासा रही है। वहीं दुनिया भर के वैज्ञानिक और तर्कशास्त्री भी इस पर बहस करते हैं। कई लोगों का तो ऐसा मानना है कि उनका अस्तित्व है, और वहीं कई वैज्ञानिक तो इनके होने से भी इनकार करते हैं। जैसे जैसे 20वीं सदी में विज्ञान और अंतरिक्ष के कार्यों ने जोर पकड़ा, तो एलियंस से जुड़ी बातें भी सामने आने लगी। दोस्तों, ये एलियंस होते क्या हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एलियंस किसी दूसरी दुनिया और किसी ऐसी जगह से आए हुए प्राणियों को कहते हैं जिसका हमारी धरती पर कोई वजूद ही नहीं है। दूसरे ग्रह और किसी दूसरे सौरमंडल से आए प्राणियों को ही हम एलियंस कहते हैं। वैसे तो कई लोगों ने इन्हें देखने का दावा भी किया है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर तो झूठे दावे ही निकल कर सामने आए हैं। एलियंस के ऊपर रिसर्च करने वाले कुछ वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि एलियंस इस धरती पर आए हैं और उन्हें किसी खास जगह पर रिसर्च करने के लिए कैद करके वहाँ रखा गया है, और वह खास जगह है एरिया 51। यह अमेरिका के नेवादा में स्थित दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह मानी जाती है, जिसके बारे में पूरी दुनिया को कुछ मालूम ही नहीं था। वहीं अमेरिकी सरकार के किसी नक्शे तक में इसकी कोई जानकारी नहीं थी, और काफ़ी साल पहले जब एक नक्शे में इसे दिखाया गया तो तुरंत उस नक्शे को बदलकर दूसरा नक्शा लाया गया, क्योंकि अमेरिकी सरकार कभी नहीं चाहती थी कि एरिया 51 के बारे में किसी को पता चले। वहीं इसके बारे में अमेरिकी सरकार ने अभी कुछ ही साल पहले बताया है कि वो जगह दुनिया में मौजूद है, पर इसके आगे अमेरिकी सरकार ने कुछ भी नहीं बताया था। ऐसा दावा किया जाता है कि साल 1947 में न्यू मैक्सिको के रोसवेल में एलियन का एक अंतरिक्षयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें से एक एलियन का शव भी बरामद हुआ था। ये एलियन तकरीबन 4 फुट का था और इसका शरीर मानव जैसा दिखता था। वहीं एरिया 51 के किसी हिस्से में आज भी उस पर रिसर्च चल रही है। हालांकि अमेरिकी सरकार का कहना है कि वो कोई एलियन का विमान नहीं था, बल्कि एक वेदर बैलून था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। साल 1989 में रॉबर्ट लेजर नाम के व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने एरिया 51 के अंदर एलियन तकनीक पर काम किया था, और वहीं उसने एलियन की मेडिकल तस्वीरें भी देखी थी। अब बात चाहे जो भी हो, लेकिन एरिया 51 की रहस्यमय दुनिया मन में बहुत सारे सवाल पैदा करती है, जिसका जवाब अब तक आधिकारिक तौर पर कोई नहीं दे सका है। ये एक ऐसा स्थान है जहां आम आदमियों के जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस इलाके के चारों ओर बाड़ लगाए गए हैं ताकि जिससे कि कोई जानवर और इंसान गलती से या धोखे से अंदर नहीं घुस सके। बाड़ों के चारों ओर अत्याधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी हर समय वहां घूमते रहते हैं। यहां कई तरह के चेतावनी भरे बोर्ड भी लगे हुए हैं, और सीसीटीवी कैमरे से हर वक्त निगरानी भी की जाती है। एरिया 51 के ऊपर से विमानों की उड़ान पर भी प्रतिबंधित है। इस एरिया के आसपास जिन भी लोगों के घर थे, उनके घर को अमेरिकी मिलिट्री फोर्स ने ज़बरदस्ती खाली करवाए थे। वजह भी किसी को बताई नहीं गई थी, लेकिन जिन्होंने भी जगह खाली करने से मना किया, उन्हें बंदूक की नोक पर डरा धमका कर ऐसा करवाया गया। इस जगह पर कई तरह के प्रतिबंधित लगे हुए हैं, और साथ ही वहाँ हर बोर्ड पर लिखा होता है
कि कोई भी प्रतिबंधित आदमी को आसपास देखते ही गोली मार दी जाएगी। कुछ लोगों का तो यहाँ तक दावा करना है कि नासा के वैज्ञानिक यहाँ काम करते हैं और वो लगातार एलियन से संपर्क साधने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनके विमानों पर भी शोध कर रहे हैं, वहीं एलियंस का दिमाग पढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस जगह पर ग्रूम नाम की एक झील है जिसके बारे में गूगल पर भी जानकारी नहीं है। वहीं इस झील से सटा हुआ एक रनवे बना हुआ है। यही नहीं, यहाँ कुल मिलाकर 7 रनवे हैं जिनसे खुफिया विमान उड़ान भरते रहते हैं। साल 1950 के शुरुआती दौर में कुछ UFO को अमेरिकी आसमान में उड़ता पाया गया था, जिसके बाद इसके लिए एक अलग खुफिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस नए प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ब्लू बुक और कई अन्य नामों से जाना जाता है, जिसे CIA के कहने के बाद शुरू किया गया था। वहीं इसकी जानकारी सिर्फ खास लोग और इससे जुड़े अधिकारियों को ही थी। जब एरिया 51 को परीक्षण क्षेत्र के तौर पर चुना गया तो एक 8,500 फीट लंबे रनवे के निर्माण की ज़रूरत हुई। इस निर्माण की ओर किसी का ध्यान ना जाए, इसीलिए इसका निर्माण सिर्फ रात को किया जाता था। अमेरिका में हुए एक शोध के मुताबिक करीब 57% लोग एलियन और UFO के वजूद के होने को सच मानते हैं। हालांकि इनको देखे जाने के 100% दावों में से 90% या तो खारिज कर दिए जाते हैं या फिर उन्हें दबा दिया जाता है, लेकिन 10% ऐसे भी दावे हैं जिनके सबूत आज भी एग्जिस्ट करते हैं। BBC के मुताबिक एरिया 51 को अमेरिकी और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौरान विमान के परीक्षण और विकास के लिए बनाया गया था। हालांकि ये साल 1955 में खोला गया था, लेकिन कई सालों तक इस जगह के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। पहली बार इसके अस्तित्व को साल 2013 में CIA ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था। वेल, दोस्तों, आपको क्या लगता है एरिया 51 और उससे जुड़े एलियंस के रहस्यों के बारे में? क्या आपको लगता है एलियंस होते हैं? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और मिस्टीरियस प्रोग्राम के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।